वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टेक्नोलॉजी की दुनिया विद केके में। और दोस्तों, आज का वीडियो आधारित है एलपीजी सब्सिडी को ऑनलाइन कैसे चेक करें। दोस्तों, आप अगर एलपीजी सब्सिडी का फ़ायदा ले रहे हैं तो आप लोगों के लिए दिमाग में कभी ना कभी ये बात आई होगी कि मेरी सब्सिडी जमा हो रही है या नहीं हो रही है। तो आप इसे ऑनलाइन बड़ी आसानी से कैसे चेक कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों, मैं आगे आप लोगों को स्मार्टफोन की स्क्रीन पर ले जाकर बताऊंगा कि किस तरह से आप बड़ी आसानी से इसे चेक कर सकते हैं, जो कि स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बता रहा हूं। इस तरह से आप करेंगे तो आप जान पाएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं स्मार्टफोन की स्क्रीन पर और आप लोग देखिए। तो दोस्तों, आ गए हम स्मार्टफोन की स्क्रीन पर और आप लोग इसे अपने डेस्कटॉप, लैपटॉप या किसी भी पीसी पर कर सकते हैं। मैं आप लोगों को इंडेंट की वेबसाइट खोलकर आपको बताने वाला हूँ आज की किस तरह से आप अपनी एलपीजी सब्सिडी चेक कर सकते हैं। कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पर कस्टमर लॉगिन से लॉगिन करना होगा। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो रजिस्टर्ड कर लीजिए पहले क्रिएट अकाउंट करके, और इसके बाद में आप लॉगिन कर लीजिए। मैं पहले से अकाउंट होल्डर हूँ तो मैं पहले से इसे लॉगिन कर देता हूँ। लॉगिन करने के बाद मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप चेक कर पाएंगे। दोस्तों, ये कुछ डिटेल्स है जो मेरी, और मैंने उसे थोड़ा सा ब्लर कर दिया है। आप अपने इस पेज को डेस्कटॉप साइट में कर लीजिए। इसके बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको इंडियन की वेबसाइट पर मिलेगा। यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड में आपको एक फीडबैक का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको दिखाई देगा। वहाँ एलपीजी पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप सीधा कंप्लेंट डिटेल डाल सकते हैं। प्रॉब्लम कैटेगरी इन पर्सनल डिटेल एंड टू बी चेक इन द नेक्स्ट स्क्रीन। तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं कि नोट रिसीव सब्सिडी, जैसे कि मैं यहाँ पर सब्सिडी डाल रहा हूँ तो वो इसे नहीं ले रहा। इसके बाद में अगर आप यहाँ पर लिखेंगे नॉट रिसीव सब्सिडी तो आपका ये जो फीडबैक है उसकी कैटेगरी में आ जाएगा। तो नॉट रिसीव सब्सिडी करने के बाद में आप प्रोसीड पर क्लिक कीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है। चलिए, ये प्रोसीड करने के बाद में आपसे कुछ यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मेन्यू मिल जाएंगे। वहाँ पर सब्सिडी रिलेटेड पहल पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में आप नीचे की तरफ जाएंगे तो नीचे की तरफ आपको दो तीन ऑप्शन दिखाई देंगे। वहाँ पर सब्सिडी नॉट रिसीव्ड पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपका जो एलपीजी रजिस्ट्रेशन में जो मोबाइल नंबर दे रखा है उसे आप इंटर कीजिए। इंटर करने के बाद में इसे आप सबमिट कर दीजिए। दोस्तों, सबमिट करते ही आपकी कुछ डिटेल्स यहाँ पर आपको शो होने लग जाएगी। अगर आपका मोबाइल नंबर नहीं है तो आप एलपीजी आईडी भी डाल सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप अपनी एलपीजी आईडी डालिए और यहाँ पर आपको डिटेल्स आपकी शो होने लग जाएंगी। और इसके बाद में नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो ये देखिए, आपको मिल गई है आपकी एलपीजी सब्सिडी से संबंधित जो भी सूचनाएं। आपको डेस्कटॉप साइट करके इसकी डिटेल्स को आप आराम से देख सकते हैं। पिछले 5 ट्रांजैक्शन यहाँ पर शो हो रहे हैं, पिछली 5 सब्सिडी यहाँ पर मुझे शो हो रही है। दोस्तों, आप भी इस तरह से चेक कर सकते हैं कि आपकी सब्सिडी खाते में आ रही है या नहीं आ रही है। आपको मिस कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी टेक जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों, एक लाइक तो बनता है क्योंकि आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों लास्ट तक हमारे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।